सर रुक जाइए, सामने भाई यहाँ पे अरे नाचने दो मुझे यार थोड़ा जाके भाई पीछे देखो एक बार मैम कैसा रहा परफॉर्मेंस आपका? सुपर्ब, मतलब बहुत अच्छा लगा। हूँ एक डांसर बट वो मौका मिलता नहीं है क्योंकि सीरियल्स में ज़्यादातर काम करने की वजह से, बट आई एम सो हैप्पी दैट एक तो पैंडमिक की वजह से स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत ही कम हो गए थे, तो आज वही मज़ा वही स्टेज का फील मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर डांसिंग ऑन स्टेज एंड थैंक यू कलर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा लगा। मैम एक होली के विश दे दीजिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, लेकिन आप सुरक्षित ज़रूर रहे, सेफ रहे, प्ले अ वेरी सेफ होली, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें क्योंकि पैंडेमिक अभी एंडेमिक नहीं हुआ है, तो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मैम तेजस्वी के बारे में तेजस्वी के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज सीजन 1-2 मैंने किया था नागिन और अब तेजस्वी के साथ मैं कर रही हूँ। बहुत ही डेडिकेटेड एक्ट्रेस है, बहुत ही सॉर्टेड लड़की है, बहुत कूल लड़की है, बहुत मेहनती है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। एक तो बिग बॉस जीत के आई है एंड नागिन कर रही है। आई विश हर गुड लक पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। करण कुंद्रा जी को दे सकते? करण जी से मैं कभी मिली नहीं हूँ, बट यस करण, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सुधा चंद्रन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। नागिन में देख सकते हैं एक साथ कुछ स्पेशल अपीयरेंस में करण कुंद्रा जी को? मैं क्या जानूं यार, नहीं अगर साथ में और हो जाएगा तो मैं क्या जानूं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वैसे नहीं अगर अगर आए तो सोने पे सुहागा होगा, बट दैट अगेन डिपेंड्स कि एका जी के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, बट अगर करण जी आते हैं तो वेलकम टू द नागिन फैमिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।